तो गाइज, आपने 3 दिन से हमारे एक प्रैंक को ट्रेंडिंग पे रखा हुआ है, तो हमने सोचा कि उसके जो कमेंट्स हैं, आप इतने मेहनत करते हो कमेंट्स करने में, तो उनके कमेंट्स हम जरा पढ़ देते हैं आपके सामने। तो पहला कमेंट पढ़ने जा रही गोलू। जी, पहला कमेंट है हर्ष थापा का, पायल हंस रही है, साफ पता चल रहा है नकली है। तो प्रैंक तो सब प्लान ही प्री प्लॉट प्लान्ड होते करके हैं, करके ही करते हैं, तो हंसी आ हंसी आ ही जाती जाती है। है। पर मैंने बहुत कंट्रोल किया था अपनी हंसी पे, फिर भी थोड़ी बहुत हंसी आ गई थी। तो नेक्स्ट कमेंट है हीना रामजान का, अरमान भाई ये प्रैंक देखकर हंस हंस के पेट में दर्द होने लग गया। ये तो है ही गाइस, ये प्रैंक था ही बहुत फनी, और इसमें जो वर्ड्स थे ना, जो डायलॉग डिलीवरी थी पायल की, तो वो बहुत ही फनी हो गई थी। तो नेक्स्ट है डॉक्टर इंजीनियर व्लॉग्स का, क्यूटेस्ट मूवमेंट जब कृतिका चप्पल नहीं उठा पा रही, उसी चप्पल से उठवा रही, अच्छा उसी से उसी से चप्पल चप्पल उठवा उठवा रही रही है। है। हाँ, ये गोलू का डायलॉग था कि मैं भी चप्पल पहनती हूँ, चप्पल उठा के दे तेरे को मारनी है, तो और वो लक्ष्मी दे भी दी है। चप्पल उठा के दे दी तो नेक्स्ट है टाइटन का, हर जगह न्यूज में वीडियो ऐसे स्प्रेड हुए है कि रियली डेट मैरिड थर्ड लेडी, तब भी आई मैं देखने। हाँ गाइस, सच में ये हर जगह वायरल हो गई, मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया, हमें इतना अच्छा लगा, तभी आज हम कमेंट रीड कर रहे हैं कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो, हर जगह वायरल हो गई कि इन्होंने थर्ड शादी कर ली, इन्होंने थर्ड शादी कर ली। चाहे वो प्रैंक है, चाहे वो जैसे भी है, बट देखो वायरल हुई है चीज, और वायरल होने से ना लोग और देखते हैं, तो हमारा सफल रहा प्रैंक जो हमने किया, वो सफल रहा। तो नेक्स्ट है शिवम मंगल का, हा हा ओ भाई, इसमें सच में मजा आ गया, कह रहे हैं हलवा बना के आ। अच्छा, हाँ, चीकू के पापा चीकू लक्ष्य को बोल रहे थे, चाहे हलवा बना के लाइन के लिए शादी करके। पहली रसोई में बनता है ना, इस बात का तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सही में बहुत फनी बात है अभी। तो नेक्स्ट है नवदीप कौर का, भाई अब पागल हो गए हो, वो दोनों प्रेग्नेंट, अगर कुछ हो जाता तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं होता, होना तब होता है जब हमें कुछ पता ही ना, और ये चीज क्या कोई भी मतलब ऐसा हमें शौक लग जाए। पर हनुमान जी हमारा बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें प्रेगनेंसी में शौक क्या हल्का सा मतलब की कोई काम भी नहीं करने देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, हम उस चीज का सिर्फ एक्ट करते हैं, जैसे लोग एक्ट करते हैं मूवीज में वैसे हम कर रहे हैं एक्ट। तो नेक्स्ट है रोजी लिप्स का, अरमान वैसे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अरमान मलिक की दोनों वाइफ पायल मलिक और कृतिका मलिक के बारे में, कि वो लोग अरमान मलिक के इस ड्रामे से हो गई हैं परेशान, और वो सारे प्रैंक, जितने भी 3 प्रैंक उन लोगों ने किया था वीडियो में, तो उनका ब्लॉग बना के डाला हुआ था, तो जितने लोगों ने ब्लॉग के ऊपर जो कमेंट किए हुए हैं इस प्रैंक के ऊपर, जितने लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो वो उन्हें पढ़ पढ़ के सुना रही है इस वीडियो में, और बहुत सारे लोगों तो बता रही है कि ये जितने भी प्रैंक थे वो हम तीनों ने मिल के, मतलब जितने सारे लोगों ने प्रैंक किया था वो सब लोगों ने मिल के प्लानिंग के साथ किया हुआ था, और जितने सारे लोगों ने कमेंट किया है उन सबको, उनके कमेंट्स को पढ़ के सुना रही है और उनका रिप्लाई दे रही है। तो चलिए मैं आगे का और वीडियो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हम लोग कैसे रिएक्शन देते, बस आप लोगों को एक एंटरटेनमेंट देना था हमें, पर हमने ना लक्ष्य की बहुत चोटियां घुमाई है उस दिन, हाँ बहुत मारा उस बेचारी उसको, की गर्दन पे एक झटका जरूर आया हाँ, होगा। आया होगा। मैंने तो बाद में लास्ट में उसका चुन्नी से गला दबा दिया था। मेरे को तो पैर छुरी थी, मैंने ऐसे पकड़ा, जो मैंने पकड़ा था ना, तो मुझे लगा शायद। तो नेक्स्ट है गुमन दहलीवाल का, व्हेन पायल सेज मेरा जादू कहाँ गया भाई। हाँ, ये हाँ, ये बहुत डायलॉग फनी था, था। ये डायलॉग भी बहुत चला है गाइस मेरा। तो नेक्स्ट है शॉर्ट्स एनवी वीडियोस का, मुझे अच्छा लगा चाय बना दे चल। हाँ, हमारे लिए जब ये लोग आए थे तो शादी करके, इन्होंने बोला कि जा इन दोनों के लिए चाय बना के ला, तो मैंने बोला था मैं चाय बनाती हूँ अभी तेरी, रुक जा, ऐसे करके डायलॉग था। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट कमेंट है अनुराग कॉमेडी शॉर्ट्स का, दोनों को सही बेवकूफ बना दिया। तो गाइस, कोई किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, एक प्रैंक था, और लाइफ में जितने भी प्रैंक्स होते हैं ना, वो सब ऑलमोस्ट पता होता है। हाँ, कुछ लोग करते होंगे रियलिटी में रियलिटी में प्रैंक, जैसे जो रोड पे प्रैंक्स होते हैं वो रियल भी होते होंगे, बट जो घर वाले जो प्रैंक होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली पता होता है, बस एक एक्ट होता है ताकि वो चीज दिखने में अच्छे लगे, और जो हम चाहते हैं ना वो आप लोग एंजॉय करो। तो गाइज, अब जो है बहुत कम दिन बचे हैं, 14 डेज बचे हैं हमारी गोद भराई के लिए, तो हम बहुत सारी रस्में करने वाले हैं, बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, तो बहुत सारे व्लॉग्स भी आएंगे, शायद दिन में दो दो भी आए। चीकू पे आएगा, चीकू फैमिली पे आएगा, फिटनेस। फैमिली फिटनेस पे आएगा, अरमान मलिक पे आएगा, तो आप लोग एंजॉय करना हमारी गोद भराई, और कुछ अगर सजेशन देना हो गोद भराई के लिए तो आप हमें कमेंट भी करना, ताकि जो चीज हमें नहीं पता हो हम वो कर ले, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं संगीत मेहंदी और गोद भराई, तो गोद भराई में हम गेम्स खेलने वाले हैं बहुत सारे। पायल मलिक और कृतिका मलिक ने बहुत ही अच्छा, मतलब पूरी फैमिली ने मिलकर बहुत ही अच्छा पब्लिक लोगों को बेवकूफ़ बनाया इस प्रैंक के वजह से, और बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये सब कुछ एकदम रियलिटी है, रियल में ये लोग कैसा कर रहे हैं, रियल में ये प्रैंक हो रहा है, लेकिन किसी पता नहीं था ये सारी प्लानिंग है, सबकी सोची समझी एक साजिश है। तो ये जो न्यूज है, ये प्रैंक वाला वीडियो है तीसरी शादी का, जितने भी वीडियो, जितने भी प्रैंक, ये सब इन्होंने दिखाया हुआ है, ये पूरे न्यूज में भी आ रहा है, और यूट्यूब पर तो पूरा
आहिर आर, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो गया है इनका वीडियो। तो कुछ दिन में इनकी गोद भराई भी होने वाली, इनका वीडियो भी ये लोग दिखाएंगे, इनका ब्लॉग बना के भी ये लोग डालेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएगा। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।